समझ में तो है, बोलना क्या है? कितनी बड़ी फिल्म नहीं देखी यार, जाना भाई आ रहा है। शॉर्ट फिल्म में मुझे आजकल बहुत इंटरेस्ट हो रहा है, मुझे मैंने खुद भी बनाई है, एक दो बनाई है जो रिलीज़ हो चुकी है, एक दो और बनाने का प्लान है। बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि अलग तरह की कहानी आप बता सकते हो, हर तरह की कहानी 2.5 घंटे 2 घंटे की नहीं होती तो फीचर फिल्म नहीं बना सकते, तो एक आज़ादी की फीलिंग होती है जब शॉर्ट फिल्म की बात होती है। तो उसलिए मैं यहाँ आया था। रिचा जिनको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ एज एन एक्टर, एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा, तो उनकी फिल्म देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी बात यह है कि वो प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं, तो ये और भी बड़ी बात है, इसमें प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई आदमी जो अपने काम में बहुत अच्छा है, अगर दूसरा कोई काम करना चाहे तो उसको थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए। देखिए शॉर्ट फिल्म्स और लॉन्ग फिल्म्स के इम्पैक्ट अलग अलग होते हैं। शॉर्ट फिल्म बहुत छोटे समय में एक, मतलब कि आप शॉर्ट फिल्म को समझिए कि अचार है, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है ना एक टाइम पे, जैसे कि मिर्च बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है, मगर आप उसको बहुत लंबे समय तक खाते नहीं रह सकते, उसके लिए आपको सब्ज़ी की ज़रूरत होती है जो लॉन्ग फिल्म है। मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने अपने खून से तो कभी कोई चिट्ठी लिखी नहीं है और मैं किसी को बढ़ावा भी नहीं देना चाहूँगा कि वो खून वाली चिट्ठी लिखें या खून भरी मांग कुछ करें, ऐसा नहीं चाहूँगा मैं। बट मैं इस बात को समझ सकता ज़रूर हूँ कि लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वो अपना खून में चिट्ठी लिखते हैं, और उसका मेरे ख्याल से इस फ्रेज़ का मतलब ये ज़रूर है, खून वाली चिट्ठी, इसका कि हमने बहुत दिल से कोई बात मतलब लिखी होगी उस चिट्ठी के अंदर। तो आप लोग सब ये फिल्म देखिए, होपफुली आपको बहुत पसंद आएगी। और आपके जो आपकी जो अपकमिंग फिल्म जो हर किसी को इंतजार है कि नाम तो डिसाइड हो गया? नहीं वैसे नहीं डिसाइड यार, पता नहीं अभी हमें डिसाइड करना, मैं बस थोड़ा बहुत टाइम है अभी, बिकॉज 11 अगस्त को फिल्म की रिलीज है, सो थोड़ा सा समय, आई थिंक नाउ इन वेरी टाइम वेरी सून वील बी अनाउंसिंग द नेम। See, there are only 52 weeks in this year, man, and some of them have been taken away by other things. So, and of course, there are many more than 52 films that are released every year. So, this is bound to happen. It's not a big deal. Okay, thank you.